तो टेस्ट दे दिया आप लोगों ने, चलो शुरू करते हैं फिर। गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल है आपके? उम्मीद है बढ़िया होगा। तो भाई आज है क्या है भाई, मंडे। तो आई थिंक सैटरडे संडे में आप लोगों ने रिवीजन कर ली होगी। और चलिए एक जरूरी सूचना, टेस्ट ऐप पर अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। टेस्ट के सारे क्वेश्चंस अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप लोगों के लिए सूचना, ऑनलाइन वालों के लिए, जाइए जाकर आप लोग टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। तो आज से रेगुलर टेस्ट है आप लोग का, और बेसिक सिंप्लीफिकेशन और बेसिक कैलकुलेशन, सॉरी बेसिक सिंप्लीफिकेशन और एडवांस सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। दो चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जाइए जाकर टेस्ट दे दीजिए। करीब 4 से 5 टेस्ट हैं, जितना पढ़ाया है सिर्फ उतने में से दिया है, बाकी डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन आज से शुरू करेंगे। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो इसका भी टेस्ट लिया जाएगा, तो हर चैप्टर का क्लास भी होगी और टेस्ट भी होगा। तो चैप्टर्स हमारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने एडवांस सिंप्लीफिकेशन खत्म किया था, तो अब टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं आज। तो जाइए क्लास के बाद, अभी मत भागिएगा, क्लास के बाद आप लोग टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है। और टोटल मिला के 5 टेस्ट हैं, 5 में से 3 तो अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है, और 2 अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप आराम से इस पूरे वीक में क्लास के ठीक बाद टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, आंसर की भी आपको वहीं पर टेस्ट के बाद मिल जाएगी, तो चिंता की कोई बात नहीं है। किसी को कोई समस्या है अगर आंसर की वगैरह में, तो टेलीग्राम पर भी आपको आंसर की हम अवेलेबल करवा देंगे, तो आप वहां से भी उसकी आंसर की ले सकते हैं, ठीक है। तो आंसर की में कोई समस्या नहीं है, टेस्ट के क्वेश्चन हमने अपलोड करवा दिए हैं, जाइए जाकर टेस्ट दीजिए, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन, आई थिंक बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज नए चैप्टर के साथ अपनी क्लास। तो अभी तक दोस्तों हम क्या खत्म कर चुके हैं, अगर आप देखेंगे तो बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक सिंप्लीफिकेशन और एडवांस सिंप्लीफिकेशन हम खत्म कर चुके हैं। आज से हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए अगर अभी तक में किसी को डाउट है पीछे से तो जरा मुझसे पूछ लीजिए, पहले देखें जरा कितने लोगों को डाउट है। और हाँ एक इंफॉर्मेशन और, प्रैक्टिस शीट डाल दी गई थी बेसिक की भी और एडवांस की भी, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और बहुत लोगों ने कर भी लिया है, बहुत लोगों ने डाउट पूछा है, तो जल्दी ही डाउट सेशन आएगा और आपको डाउट बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपके डाउट्स निकलते हैं, ठीक है, तो आप आराम से, मैं कल आपको बताऊंगा ग्रुप में कैसे काम करते हैं। जिन लोगों ने कोर्स खरीदा हुआ है उनको ऐप पे ना ऑटोमेटिक एक ग्रुप असाइन हो गया है, ऑनलाइन वालों आप चेक करने जाके अपने चैट सेक्शन में, वहां पे आप लोगों को इस बैच के नाम से ना एक ग्रुप आ गया होगा, ठीक है। ऑटोमेटिक आप लोग ज्वाइन जाएंगे उसके अंदर, जिन लोगों ने कोर्स खरीद रखा है वो लोग ऑटोमेटिक ज्वाइन जाएंगे। तो जिन लोगों को भी डाउट है, मान लेते हैं कोई क्लास में डाउट हुआ, क्लास के बाद कोई डाउट हो गया, तो आप उस ग्रुप में वो डाउट, तो चाहे उसकी फोटो खींच के, कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन की प्रॉपर फोटो खींच के आप लोग अपलोड करें, ताकि और डाउट प्रॉपर क्लियर करें क्या डाउट है और क्या चाहिए आपको। कई बार बच्चों को आंसर ही चाहिए होता है, और कई बार आपको प्रोसेस चाहिए होता है, और कई बार प्रोसेस भी होता है और आंसर भी होता है, लेकिन हुआ कैसे ये आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अब से क्लास के बाद मैंने ग्रुप ऐड करवा दिया है, ग्रुप वैसे पहले से ही था, बस आप लोग को बताया नहीं था, तो आज आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं। जितने भी बैच आप लोग खरीदते हैं उसका एक ऑटोमेटिक ग्रुप बनता है, क्लास खत्म होते ही आप लोग नोटिस करते होंगे, नोटिफिकेशन आप लोग को आता है कि डाउट डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप वहां लिखेंगे मेरी टीम उस चैट को देखेगी और मुझे बताएगी, तो वहां से वो क्वेश्चन टिक के जाएगा। और अगर बहुत छोटा क्वेश्चन है, जैसे अभी डेसिमल डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा है आपको, इसमें कोई डाउट निकल आया आपको, तो नेक्स्ट क्लास में ही उसका हम सॉल्यूशन करके आपको दे देंगे। अगर कोई क्वेश्चन पुराने चैप्टर्स का है
तो डाउट में जब उस चैप्टर डाउट पढ़ाएंगे ना तो उस समय उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सभी लोग के कमेंट्स आ रहे हैं, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। हाँ बाबू डाउट सेशन लेके आएंगे, ठीक है, बताया ना आपको डाउट सेशन लेके आएंगे, आप चिंता ना करें, डाउट की चिंता आपसे अधिक हमको है। हाँ तो जल्दी ही डाउट सेशन लेके आएंगे, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग अपने अपने डाउट्स एक काम कीजिएगा, तब तक चैट्स के अंदर टाइप वाइज, अगर बेसिक से डाउट है तो बेसिक से, एडवांस डाउट है तो एडवांस से, टाइप वाइज मार्क कर लीजिएगा कि मुझे ये डाउट है, मुझे डाउट है। चिंता मत कीजिए, किसी भी बच्चे का डाउट छूटेगा नहीं, क्लियर है, बात समझ रहे हैं आप लोग। तो अगर सारा भी करवाना पड़ा ना तो सारा करवाएंगे, अश्योर रहिए, हर किसी को बताएंगे, ठीक है भाई। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, देखो इस बैच का एक ही उद्देश्य है कि जो बच्चा एकदम वीक है, बिल्कुल वीक है, अगर वो भी कंटिन्यूअस मेहनत करता है, देखो मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, तो आप सीख सकते हो, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ भाई गुड मॉर्निंग हो चुकी है, तो बड़ा लेट है, चलिए ठीक है भाई शुरू करें। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ गई है कि हम शुरू करने वाले हैं डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन। तो डाउट पीछे किसी को है नहीं, लेकिन जिन लोगों को भी डाउट होगा, जैसे बहुत लोग शर्मा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो चैट में आप लोग भेज दीजिएगा, ठीक है, डाउट में उसको हम ले लेंगे, क्लियर। चलिए तो जैसे ही देखो भाई चैप्टर खत्म होता है ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बढ़ती है, सबसे पहले जो चैप्टर खत्म हुआ है उसकी प्रैक्टिस शीट बनाइए। सबसे पहला काम, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है प्रैक्टिस शीट बनाइए उसकी, और उसके बाद उसके टेस्ट लगाइए, क्या कीजिए उसके टेस्ट लगाइए, बस इतना ही काम है आपका। और कुछ ऑनलाइन टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे, मॉक टेस्ट, तो वो भी आप ट्राई कीजिएगा समय के साथ, क्लियर है। और जब तक पढ़ा रहे हैं, मान लो आज 10 क्वेश्चन कराएंगे, तो आपका काम है इन 10 क्वेश्चन को आज के आज घर जाके प्रैक्टिस करने, ठीक है। ये नहीं कि 10 क्वेश्चन कर लिया और फिर नेक्स्ट क्लास में जो हुआ वो नहीं करेंगे, डेली क्लास का रिविजन जब तक मत कीजिएगा तब तक मत सोइएगा। रूल बनाइए कि अगली क्लास से पहले, आज की क्लास के बाद जो क्लास होगी उससे पहले आपको इस क्लास का रिवीजन करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन। बात करें डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस के बारे में मैं आपसे पहले ही परिचित करवा चुका हूं कि फ्रैक्शन को जोड़ना, फ्रैक्शन घटाना, ठीक है। इस चैप्टर में मेनली डेसिमल पर डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा फ्रैक्शंस को भी देखेंगे यहां पर। चलिए तो रेडी है सब लोग, शुरू करें। चलिए सर क्या होता है डेसिमल, उससे पहले आपको जरा परिचित करवाएं, डेसिमल का मतलब आप क्या समझते हैं? यही सर डॉट, इसी डॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल, या हिंदी में क्या बोलते हैं, दशमलव। इतनी बात तो सबको समझ में आती होगी, क्या इससे नीचे कुछ है? जी देखो इससे नीचे कुछ नहीं है, जो है यही शुरू कर रहा। देखो ये सब जो बता रहा हूं ना, ये सब फोर्थ फिफ्थ की बात है, अगर आप प्राइवेट स्कूल से बुक देखो ना तो ये सब फोर्थ फिफ्थ में पढ़ाया था, ठीक। तो मैं वहां से शुरू कर रहा हूं, ताकि मेरा मानना है कि हर बच्चा जो कितना भी वीक हो, लेकिन अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेगा, मेरे साथ चलेगा, तो 10 दिन बाद वो भी बाहर निकल आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। मैं आपको हर चीज सिखाने का दम रखता हूं, पर क्या आप में हर चीज सीखने का दम है, बड़ी बात ये है। चलिए तो एकदम जोश साथ एक्टिव होकर बैठिए, और जो लोग सूत के देख रहे हैं, अरे उठ जा रहे, ठीक है, बहुत लोग सूत के देखते हैं, सूत के नहीं देखना जी, उठिए टेबल कुर्सी बैठिए और प्रॉपर ईयरफोन हेडफोन लगाइए, और शुरू करते हैं आज की क्लास डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन। तो जैसा कि आप लोग परिचित हैं, यही डेसिमल है, इसी को दशमलव बोलते हैं, ठीक। चलिए बाबू मैं पूछूंगा कि ये क्या है, तो आप लोग बोलेंगे नंबर, क्या बोलेंगे, नंबर। चलिए बोलेगा आप लोग भी साथ में, ठीक है, बोलने से बेटा नींद नहीं आती, तो बोलिएगा ये क्या है बाबू,
क्या इस नंबर में कहीं डेसिमल दिख रहा है आपको? देखो डेसिमल दिखता नहीं है लेकिन हमेशा नंबर के पीछे छुपा हुआ होता है। क्या होता है? छुपा हुआ होता है। तो बहुत लोग कहेंगे कि चलो डेसिमल का शिफ्टिंग कराते हैं, तो याद रखना मेरा एक छोटा सा पॉइंट है कि डेसिमल ना कभी भी, मतलब ऐसा नहीं कि हटता या लगता है, वो ऑलवेज होता है, बस क्या होता है शिफ्टिंग होता है। ऐसा नहीं कि इस नंबर के पीछे क्या कहेंगे कि डेसिमल नहीं है, डेसिमल है बस हमें दिख नहीं रहा है, डेसिमल ऑलवेज रहता है। कोई भी नंबर हो, अगर आपने बैंक में पासबुक देखा होगा तो क्या देखते हो, लिखा होगा ना पीछे कि मान लो 474 रुपए आपके अकाउंट में, वहां लिखा होता है 0.00, और फिर तो काफी सारे जीरो लगे होते हैं, हमें देख के लगता है अरे वाह 2-4 करोड़ रुपए है, और आगे लिखा होता है CR। वो CR बेटा करोड़ नहीं, उसे क्या बोलते हैं क्रेडिट, मतलब दिखाते हैं कि कितना जमा हुआ है। तो देखो पॉइंट तो हमेशा नंबर के पीछे ऑलवेज होता है, किसी भी नंबर के पीछे क्या है इसे क्या रख सकते हैं 478.0। तो सर इसको ऐसे क्यों लिखा होता है? तो भाई मैथ्स बात करता है सिंप्लिसिटी की। इजी क्या है दोनों में से, ये लिखना इजी है, ये लिखना इजी है, ये इजी है। तो यही से हम भूल जाते हैं, पॉइंट लगाने की बात करते हैं, लगाने की बात नहीं करेंगे, पॉइंट तो ऑलवेज नंबर के पीछे छुपा होता है। बस ये कहा आता है कि पॉइंट के बाद जो जीरो है उसकी वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में 27.0 को 27 लिखते हैं। तो क्या इस बात से क्लैरिटी बनी कि पॉइंट लगता नहीं है, पॉइंट ऑलवेज नंबर के पीछे होता है, बस दिखता नहीं है। क्लियर, ये बात समझ गए? देखो ना ये सब बातें ना बहुतों को पता होती है लेकिन मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होती। मैक्सिमम लोग सोचते हैं अच्छा पॉइंट लगाना है 10 से डिवाइड कर दो। जब लोग ये कहते हैं कि मान, अरे बार बार 47 राजी, 68 एक नंबर है, अब यहां पॉइंट लगाना है, तो लोग कहते हैं कि भाई 10 से डिवाइड करोगे ना तो क्या आ जाएगा 6 पॉइंट आ जाएगा। अरे बुड़बक, इस नंबर के अंदर पॉइंट पहले से था, वास्तविकता में आपने क्या कराया है पॉइंट को, देखो ना यहां था, क्या हो गया है 8 के बगल में आ गया है, तो पॉइंट को वापस में आपने क्या क्या है लेफ्ट शिफ्ट कराया है, बस इतनी सी बात किया, क्या क्या है लेफ्ट शिफ्ट कराया है। तो यहां से बात क्लियर हुई कि पॉइंट कभी भी लगता वगता नहीं है, पॉइंट ऑलवेज नंबर के पीछे होता है। अरे लगाओगे तब ना जब वो होगा नहीं, तो पॉइंट ऑलवेज नंबर के पीछे छुपा हुआ होता है, कई बार दिखता है कई बार नहीं दिखता। ठीक है, वही बात है, होता सभी के पास है, दिखाता कोई नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे क्या, पॉइंट की शिफ्टिंग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पॉइंट की शिफ्टिंग। तो आइए पॉइंट की शिफ्टिंग सीखते हैं, और उससे पहले पॉइंट हटता कैसे है। मैंने बताया ना कि पॉइंट हटता नहीं है, अगर वो नंबर के पीछे आ जाए, अगर वो नंबर के पीछे आ जाए, मान लो पॉइंट यहां था, हम कुछ भी करें और नंबर को ना यहां ले आए पॉइंट को, तो लोगों को ऐसा लगता है कि क्या हो गया, हट गया। इस हटने की बात नहीं कर रहा मैं, अब मैं एक अलग तरह से हटने की बात कर रहा हूं, वो देखेंगे। इसको हटाना नहीं कहेंगे। चलिए सबसे पहले पॉइंट रिमूव कैसे करते हैं इसको देखिएगा। एक नंबर लेते हैं 3264.213, ये एक नंबर है और यहां पर ये पॉइंट है। क्लियर, अब आपको ये तो पता है कि अगर ये नंबर है तो पॉइंट कितने के बाद है, 3 के बाद। क्या इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान देखिएगा, 3264213 डिवाइड बाय नीचे 1000। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हां कि ना? क्योंकि कहा गया है कि जितने के बाद पॉइंट होता है नीचे 1 पर उतना जीरो है ना, 3 के बाद पॉइंट है तो नीचे 1 पे
और यहाँ पे 3-0 है तो यहाँ 3 के बाद पॉइंट, तो मतलब ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं एक ही बात। अब हजार क्या है, 10 की पावर 3 को ही हजार बोलते हैं बाबू, पता होगा आपको 10 की पावर 3 क्या बोलते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 3264213 डिवाइड बाय 10 की पावर 3, क्या दिक्कत किसी को? मैंने यहां से बाबू यहां पर आया, किसी को दिक्कत नहीं ना? अगर मैं यहां से ये लिख रहा हूं किसी को दिक्कत? ऊपर तो सेम है, ऊपर तो क्या है सेम है, बस 10 की पावर 3 क्या होता है देखो ना बाबू, 10 की पावर 3 क्या मतलब, 10 पे कितना जीरो, 3 जीरो दिखाया था, जितनी पावर उतने ही जीरो। तो बस क्या लिखा है, और आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस में सिखाया था कि अगर पलटेगा तो पावर क्या हो जाएगा, ये जो भाग में ये तो होगा गुना में, और पावर अगर प्लस में है तो माइनस में होगा। अगर ये 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो 10 तो गुना में आ जाएगा और पावर माइनस 3 में आ जाएगा, क्योंकि पावर प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, अगर होता माइनस में तो क्या होता प्लस में, साइन चेंज कर लेता है, और ये भाग में है तो गुना। तो अगर आप ठीक से देखो, बात समझ में आई क्या बोला मैंने? ऑनलाइन वालों क्लियर है बात? चलिए, तो आप ही अपने क्या देखा कि अगर मुझे इसको हटाना है तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने देखा 3264.213, अब मुझे पता है पहले क्या होगा, ये पॉइंट हटेगा तो 3 आएगा, फिर मुझे पता है ये 10 की पावर 3 होगा, ये बता रहा हूं प्रोसेस बचपन में कैसे करते थे, यही प्रोसेस था, बस इससे आगे नहीं बढ़ते थे, ठीक है। यहां ही जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी ध्यान से देखो ये माइनस का मतलब क्या है, पावर लेफ्ट शिफ्ट हो, क्या होगा लेफ्ट, पॉइंट कहां शिफ्ट होगा लेफ्ट, इसका मतलब क्या है, पॉइंट हमने निकाल लिया है, इसका मतलब क्या, हमने पॉइंट निकाल लिया है, पॉइंट कहीं है क्या नहीं है ना, अब चाहते हैं कि वापस ले आए, क्या करें वापस ले आए, तो फिर ऐसे ही वापस रिवर्स आएंगे, यस और नो? तो इतना बड़ा प्रोसेस करने का क्या जरूरत है आपको, इतना बड़ा प्रोसेस करने का तो कोई आवश्यकता ही नहीं था आपको, अगर आपको इसके अंदर से क्या करना है पॉइंट रिमूव करना है तो कुछ नहीं, जो नंबर है वो एज इट इज लिखो 3264.213, ठीक है, ये पॉइंट हटेगा, कितने के बाद पॉइंट था 3 के बाद ना, तो गुना 10 की पावर माइनस 3, माइनस क्यों, माइनस से पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट होगा, अगर प्लस होगा पावर तो पॉइंट राइट शिफ्ट होगा, सीधी सी बात है, अगर पावर माइनस में तो क्या पॉइंट कहां शिफ्ट होगा लेफ्ट, और कितना 3, तो वास्तविकता में इसमें और उसमें कोई फर्क है, इसमें और उसमें कोई फर्क है, तो बस पॉइंट हट गया ऐसा लगता है हमें, लगता है पॉइंट हट गया है, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है, पॉइंट बस कुछ नहीं शिफ्ट होके लास्ट में पहुंच गया है, ये क्या हो गया पॉइंट हट गया है, तो इस रूप में क्या हमको पॉइंट दिख रहा है, लेकिन जब फाइनली सॉल्व करेंगे ना तो घूम करके हमको पॉइंट दे देगा, तो मतलब मैं क्या करना सिखा रहा हूं आपको, क्या सिखा रहा हूं, पॉइंट हटाना, ऐसा लगे कि पॉइंट हट गया, लेकिन जब फाइनल वैल्यू लिखोगे सॉल्व करके तो या तो पॉइंट होगा या तो पीछे होगा, ऊपर पावर 3 क्यों आया, लगता है बेटा लेट आए हो आप, ध्यान ही नहीं है आपका, बताओ भाई पावर 3 क्यों आया, बताया था ना आपको पॉइंट क्या है 3 के बाद है, तो क्या लिखेंगे इसको 3264213, ये होगा हजार, तो जब क्या लिखेंगे इसको 3264213 10 की पावर 3, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा ये 3264213 इंटू 10 की पावर माइनस 3, यही ना होगा राजी, लेट है कि सो रहा था, चलिए तो तुम भी बैठा है जी, यहीं पे बैठा है, कितने के बाद पॉइंट है
तो मैंने कहा ये पॉइंट कैसे हटेगा, ये पॉइंट कैसे हटेगा, कितने के बाद पॉइंट है, तीन के बाद नीचे एक पे तीन जीरो, हजार कहां लिख रहे हैं, ये पॉइंट हटेगा तो हजार आएगा, ये पॉइंट हटेगा तो हजार आएगा। अरे बड़ा मुड़बक है जी हाँ, देखो 13 में 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये मैं पीछे बेटा सिखा चुका हूं आपको, ये मैं पीछे सिखा चुका हूं। देखो मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलता जो मैंने पीछे बताई ना हो आपको, ध्यान से देखो, अगर भाग देंगे 13 तो क्या आएगा, 10 एकम 10, 3 बचेगा, अब तो भाग जाएगा नहीं तो क्या आएगा, पॉइंट 0 3। तो यानी 13 बटा 10 करने से क्या हो गया, अभी 13 में पॉइंट कहां था, अभी 13 में पॉइंट कहां था, 13.0, यस और नो, 13.0। तो एक जीरो से भाग देने से क्या हुआ, पॉइंट। वास्तविकता में आंसर जब आ रहा है तो ये आंसर क्या आ रहा है, एक के बाद आ रहा है, और कहां शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, कहां शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट। तो यहां तीन के बाद पॉइंट है, मतलब नीचे तीन जीरो रहा होगा नीचे बाबू, यहां पॉइंट कितने के बाद है, तो पॉइंट यहां से यहां कैसे तो कूदा होगा, यानी नीचे तीन जीरो रहा होगा, यस और नो, ठीक है जी, क्लियर। अरे भाई ये सब बोला करो शुरुआत में ही, मतलब कहानी खत्म हो गई, राजा की खोज ही नहीं है, और कहानी शुरू हुई थी एक राजा एक तिरानी, बताओ हद हो गई। ये सब बात नहीं पकड़ते हो तो बताया करो, मैं हर छोटी छोटी बात बताऊंगा, ठीक है। तो बात समझे, इस नंबर में अगर हमें पॉइंट रिमूव करना है तो कुछ नहीं करना है, कितने के बाद पॉइंट है, तीन के बाद, तो 10 की पावर 3, और पॉइंट कहां शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट, तो क्या होगा, पावर माइनस में आएगी, क्योंकि आपने देखा पहले 10 की पावर 3 आती है, फिर जाता है वो ऊपर, तो पावर क्या होता है, माइनस में। तो इस माइनस का मतलब ये पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट करेगा, क्या करेगा, कोई दिक्कत, अभी शिफ्टिंग सिखाएंगे, अभी तो हटाना सिखा रहे हैं, अभी शिफ्टिंग भी सिखाएंगे। अच्छा अगला है 21.56, इसको ठीक से देखो आप, क्या दिख रहा है इसमें, तो ये कैसे हुआ होगा, ये वास्तविकता में अगर देखा जाए तो ये हुआ होगा 2156 डिवाइड बाय 100, यस और नो, दो के बाद पॉइंट नीचे 100 आएगा, इसे क्या लिखते हैं वापस, मैं बढ़ा नहीं रहा, मैं बस बार बार रिपीट कर रहा हूं कि देखो समझो प्रोसेस कैसे हो रहा है, समझ रहे हो, 10 की पावर 2, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 2156 गुना 10 की पावर -2। तो इतना तामझाम करने की क्या आवश्यकता है, डायरेक्ट आते हैं, क्या आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, 2156 है, पॉइंट रिमूव करना है तो कोई बात नहीं, ये रहा 2156, ठीक, इंटू 10 की पावर कितनी, 2 के बाद है तो -2, क्योंकि पॉइंट लेफ्ट ले आएंगे ना, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा ये देखो 312134 ये वाला वैल्यू है, देखो जरा पॉइंट कहां पर है, यहां पर है, क्या करना है, पॉइंट हटाना है, तो कुछ नहीं क्या आएगा, 312134 इंटू 10 की पावर कितना, 10 की पावर कितना, 4, और कितना, -4, ठीक है। ये सब यार आप ऑप्टिक्स में करके आए हो पीछे पावर हटाना, ठीक है, ये बस पावर चेंज करना नहीं सिखवाते हैं, बाकी सब करके आते हैं हम लोग, क्लियर है। अगला देखो 0.123 क्या होगा, हटाना है, हटाओ तो 123 इंटू 10 की पावर कितना, -3, ये 0 खत्म हो जाएगा, ये 0, क्योंकि यहां से पॉइंट हट गया ना, तो आगे 0 की वैल्यू देखो ना, अगर लिखते हो 0123 तो इसकी वैल्यू नहीं होती है, 045 तो इसकी वैल्यू नहीं होती, ठीक है, अगर पॉइंट हट गया तो, बात समझे, यस और नो। अगला है 2.1, कुछ नहीं करना, 2.1 है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, 21 × 10 की पावर -1, यानी डेसिमल को हटाना सीख गए आप, कोई भी नंबर दिया होगा बस ये देखना कि पॉइंट कितने के बाद है, ठीक है, नंबर लिख देना है और 10 की पावर एज इट इज बाहर ले लेना है, क्या इस बात में समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर।
यस और नो? अरे यार ये बार बार इरिटेट कर रहा है, कोई दिक्कत है? चलिए अब देखो एक बुड़बक क्या पूछ रहा है कि सर पावर माइनस में कैसे आया? तुम काहे माथे सर रख लिया जी, तुमको क्या हुआ? फोकस करो बेटा सर। अरे सीधी सी बात है बाबू, ये देखो 21.56, ठीक है, क्या करना है इसमें? सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे? 21 छप्पन बटे 100, ऐसे कैसे लिखेंगे? 21 छप्पन 10 की पावर 2। जब ये ऊपर जाएगा तो ये पावर क्या है, 10 क्या है, भाग में है, तो क्या होगा ऊपर, ऊपर क्या होगा, गुना में होगा, और ये पावर नीचे क्या है, प्लस में है, तो ऊपर क्या हो जाके माइनस में। अरे बेसिक रूल है भाई, थर्ड साइन इंडिसेस में पढ़ाए थे, लगता है बच्चा रिवीजन नहीं कर रहा है। चलिए आई थिंक क्लियर होगा। अरे यार चलिए समझ गए आप लोग, और किसी को कुछ कहा हो गया जी? आज लगता कमजोर बच्चा आ गए का, या खा पी के नहीं आए हो? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब सीखते हैं शिफ्टिंग। अब क्या सीखते हैं? शिफ्टिंग। सेम ही बात है देखो, 3 2 6 4 2 1 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 1 5 6 इंटू 10 की पावर। ध्यान से देखेंगे इन क्वेश्चनों में एक चीज आपको दिख रही होगी, हमें करना क्या है यहां पर, शिफ्ट करना है, क्या करना है? अच्छा अब आपको पावर देख के ये चल रहा होगा पता कि शिफ्ट किधर होगा। अगर पावर क्या है, माइनस में है, तो कहां शिफ्ट होगा बाबू? लेफ्ट में। और अगर पावर प्लस में है तो कहां शिफ्ट होगा? तो लेफ्ट कौन सा होता है बाबू, राइट कौन सा? आपका लेफ्ट लेफ्ट, आपका राइट राइट, इतना नहीं सोचना है कि लेफ्ट राइट कौन सा है, ठीक है? क्लियर? कभी भी आपको लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपका लेफ्ट लेफ्ट, आपका राइट राइट। अगर मैं मान लो ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है, आप भी ठीक उसी प्रकार बैठे हो जिस तरह मैं इधर फेस कर रहा हूं, तो आपका भी राइट इसी साइड है और लेफ्ट इस साइड है, चिंता नहीं करना, इतना नहीं सोचना, ठीक है? क्लियर है? आइए शिफ्ट कराएं। अब शिफ्ट कहां से कराएंगे, जहां पे वो होगा, जहां पे वो होगा। मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि मान लो 4.2 है, राइट शिफ्ट किधर होता है? राइट का मतलब क्या, ये साइड राइट है भाई, इतना कमजोर भी कोई है जी? और ये क्या है, लेफ्ट है, ठीक है? अगर पॉइंट कहां, इस साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, इस साइड क्या होगा, राइट में, ठीक है? चलिए अब देखिए पावर क्या है बाबू, माइनस में है, माइनस मतलब क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा। अब जहां है वहां से लेफ्ट शिफ्ट होगा, क्या होगा, जहां होगा वहां से लेफ्ट शिफ्ट होगा। अगर मैं इसको बाय प्रोसेस करता तो मैं आपको दिखा देता हूं बाय प्रोसेस करके क्वेश्चन को, कैसे करता मैं बाय प्रोसेस, ध्यान देखना। 32.64.213 था, यस और नो? अगर पता है ये पॉइंट मैं हटाऊंगा यहां से तो यहां क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 3, यस और नो? इस बात से आप एग्री हो कि नहीं हो? और ये 10 की पावर 2 कैसे रहा होगा जब नीचे क्या रहा होगा, 100 रहा होगा, तब ना ये ऊपर जाके 10 की पावर 2 बना होगा, यस और नो? तो ये छोड़ दो, इस बात से कोई मतलब नहीं था। देखो मैंने क्या किया, पॉइंट को बाहर निकाले तो क्या आ गया, 10 की पावर 3, और यहां गुना में पहले 10 की पावर क्या है, 2 तो पहले से ही है, तो गुना 10 की पावर माइनस 2। बस सिखाया था अगर बेस सेम होता है तो पावर जुड़ता है, क्या होता है, बेस सेम होता है तो पावर जुड़ता है ना? तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6 4 2 1 3, तो 10 तो सेम रहेगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, माइनस का
कहोगे सर प्लस का होगा, नहीं होगा तो प्लस, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा, ठीक है। अब पांच है तो शिफ्ट कराओ पांच को, एक दो तीन चार पांच, यस और नो, यस और नो। इतना करने की आवश्यकता थी नहीं, इतना हम माथापच्ची करेंगे नहीं, क्या करेंगे हम वो देखिए जरा, 10 की पावर माइनस 2 कहां शिफ्ट होगा, लेफ्ट, बोलो ना भाई, बोलते क्यों नहीं, क्या लिख रहे हो बेटा, क्या लिख रहे हो, तो फिर इधर देखो और बोलो, लिखने के लिए कुछ है ही नहीं। चलिए 10 की पावर माइनस 2 कहां शिफ्ट होगा, 10 की पावर 3 कहां शिफ्ट होगा, 10 की पावर माइनस 1 कहां शिफ्ट होगा, 10 की पावर 2 कहां शिफ्ट होगा, राइट, 10 की पावर 4 कहां, राइट, 10 की पावर 3 कहां, लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है। और जोर से बोलो, आवाज आनी चाहिए तुम लोग की। चलिए तो 3 पे तो पहले से ही है, क्या करना है, 2 और शिफ्ट कराना है, तो कहां हो जाएगा, 1 2 यहां पॉइंट आएगा, यस और नो, यस और नो, अरे तो बोलो ना जी, हाँ के नहीं आए हो, बोलो, पहले भी यही आ रहा था हमारा, पहले भी यही आ रहा था, कहां पॉइंट शिफ्ट होगा बाबू, कहां होगा बोलो, राइट शिफ्ट होगा, 3 के बाद नहीं, राइट शिफ्ट होगा, ध्यान कहां है, तो है कितना, 2 के बाद, करना कितना है, करना कितना है, 3 के बाद है ना, तो 2 1 5 6 2 तो यही हो गए, 2 तो यही हो गए, नंबर कुछ है नहीं तो क्या लाएंगे, 0 हो गया, ठीक है। अब देखो पॉइंट वास्तविकता में क्या आता है, यहां आता, लेकिन पता है नंबर के एंड में अगर पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो पॉइंट को दिखाने का कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। हालांकि शिफ्टिंग करा रहे तो हमें दिखाना चाहिए कि पॉइंट यहां पे आएगा, बट आप तो समझदार हैं ही, तो पॉइंट छुपा हुआ है लेकिन है, ठीक है। आइए कहां शिफ्ट होगा, लेफ्ट होगा, ये राइट कौन बोल रहा है जी, बेटा बहुत मारेंगे जो बोल रहे हैं ना राइट, अभी भी तुमको नहीं दिखा जी पावर लेफ्ट में है। चलिए ऑनलाइन वालों इसका आंसर दीजिए, कहां शिफ्ट होगा, बोलिए कहां शिफ्ट होगा, राइट, अरे बोल का नहीं राजी, क्या हुआ, दिक्कत है, नहीं खा के आए हो तो बोलो ना, फिर बोलो। चलिए राइट शिफ्ट होगा कहां पे, 2, तो कहां हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2.3, ये हो जाएगा, ऐसा और ना, यहां है 2, यहां जाएगा, चलिए यहां है, कितना शिफ्ट होगा, 4 ना, तो क्या हो जाएगा 120, देखो कैसे, 3 तो यही है, पीछे एक 0 आएगा तो ये तो 0 हट जाए ना, बताया था मैंने आपको क्या कि 0.12 है, 4 के बाद आएगा तो क्या हो जाएगा 0.012 है, तो कितने के बाद है, 4 के बाद, तो यहां आएगा पॉइंट, यहां से हट के कहां आएगा, यहां आएगा, तो इसकी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी है ना। अब 120.0 लिखो या 120 लिखो, एक ही बात है। चलिए क्लियर है। अगला क्या होगा, यहां पर पावर कितनी शिफ्ट करवानी है, 3, कहां, माइनस में ना, तो चलिए तो ये तो पहले से है ठीक, कितना, 1 के बाद तो है, 2 नहीं, 1 1 2 और 3, 1 2 और 3, ठीक है, क्लियर है, बात समझे, तो पॉइंट का शिफ्टिंग सीखे। अरे सीधी सी बात है बाबू, अगर पावर माइनस में है तो पॉइंट कहां शिफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा, अगर पॉइंट सॉरी पावर क्या है, प्लस में है तो कहां शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होगा। कोई नंबर दिया है, कोई नंबर दिया है और पॉइंट पहले से लगा है, कोई नंबर दिया है, अभी तक आपको दो बात सिखाए, पहली बात क्या सिखाए कि अगर पहले से ही पॉइंट दिया है, क्या दिया है, पहले से ही पॉइंट गिवन है, तो बस 2 स्टेप में आंसर हो जाएगा, सबसे पहले तो वो नंबर लिख दो 3 2 6 4 2 1 3 इनटू 10 की पावर, ठीक, कितने के बाद है, 3 के बाद,
माइनस तीन, एक तो ये सिखाया कि पॉइंट को रिमूव कैसे कर लेते हैं, सेकंड चीज वैसे ही तो सिखाया कि अगर पहले से ही पावर माइनस में है तो कहां शिफ्ट होगा, 3264.213 आ गया वही वापस, ठीक है आ गया वही वापस, क्लियर, यही दो बात तो सिखाया। और एक चीज बताई कि नंबर के पीछे पॉइंट ऑलवेज छुपा हुआ होता है, ठीक है कई बार हमें दिखता नहीं है लेकिन ऑलवेज वो होता है। अगर ये बात सीख गए तो आइए क्वेश्चन नंबर वन पे, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर वन, 0.0027 इंटू 0.027 इंटू 0.3 बराबर वॉट, यही ना। अगर आप ठीक से देखने का प्रयास करें तो नॉर्मली अगर आपको पॉइंट शिफ्टिंग का ज्ञान नहीं होता तो क्वेश्चन नहीं बनता आपसे। अब देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, यहां पर आपको बाय प्रोसेस जाना है, स्कूल में भी हम ऐसे ही करते थे, कराओ शिफ्ट कितने के बाद, चार के बाद, तो ये क्या होगा 27 इंटू 10 की पावर माइनस 4, हाँ कि ना, यस और नो, इस पार्ट पर किसी को दिक्कत है, क्या कर लिया पॉइंट हटा लिया हमने, पॉइंट हटा लिया वैसा कुछ नहीं किया, पॉइंट चार के बाद है ना तो 10 की पावर माइनस 4 अभी सिखाया था बाबू, यहां कितने के बाद है तो 27, बीच में गुना है तो गुना 27 इंटू 10 की पावर क्या माइनस 3, 3 के बाद एकदम क्लियर हो गया, यहां आ जाओ गुना में तो ये क्या है, क्या होगा बोलो, एक ही है ना जी 10 की पावर माइनस 1, यस और नो, कोई दिक्कत किसी को, क्या पॉइंट रिमूव करने में दिक्कत हो रही है किसी को, ये तार क्यों बार बार उलझा रहा है, क्षण कर रहा है, चलिए कोई समस्या किसी को यहां तक नहीं ना। अब देखो बाय प्रोसेस से पहले क्या लिखेंगे, देखो 27 गुना 27 और गुना 3, जब भी ऐसा होता है ना सर, एक पावर लिखा हो, एक नंबर हो, एक पावर एक नंबर हो, तो नंबर्स को अलग कर लेते हैं और पावर्स को अलग कर लेते हैं, ठीक है इसका फायदा देखो, इंटू 10 की पावर माइनस 4, अरे ढक्कन तो रुक जा छोड़ो, 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 1, यही ना, आपको पता है बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा, 4 3 7 और 1 8, 10 की पावर माइनस 8, यस और नो, 27 का स्क्वायर कितना होगा भाई 729, 727, 27 इंटू 27 क्या होगा 729, और 3 कितना होगा 7 3 2100, और 30 3 90 - 3 2187, ठीक है ये होगा, और क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8, यही ना होगा जी, तो कितना कहां शिफ्ट होगा लेफ्ट में, कहां होगा लेफ्ट में, और कितना होगा क्या बोला जी, अरे पागल हो गया जी, 10 की पावर माइनस 8 है, 2 का कैसे शिफ्ट होगा, तुमको लव करा है कुछ, 10 की पावर माइनस 8 है तुम 2 बोल रहे हैं, कहां खोया हुआ है जी, तुमको नहीं सिखाए हैं, पावर चेक करते हैं जितना होता है उसको पीछे आते हैं, हद हो गई। चलिए अभी पॉइंट कहां है इस नंबर के पीछे, वास्तविकता में इसके पीछे छुपा हुआ है, कितना है 8 के बाद तो 4 तो यही है, 4 तो यही है, 5 6 7 8 ये आपका आंसर, फोर्थ वाला आपका आंसर है, फोर्थ वाला आपका क्लियर है, बात समझ गए, यस और नो। ऑनलाइन वालों दिक्कत किसी को लगता है, आज का दिग्रह ठीक नहीं चल रहा, इतने इजी इजी क्वेश्चन तुम लोग क्या नहीं बना पा रही, हाँ देखो ऑनलाइन में बहुत लोग का आंसर आ गया था पहले, ठीक है सही है, हाँ बताएंगे अब, जस्ट बता रहे हैं, ठीक है क्लियर,
इसको ना ऐसे ही करना है, इसको ऐसे ही करना है, लेकिन एग्जाम में इतना समय थोड़ी होता है इसको ऐसे करने का। देखो प्रोसेस तो यही रहेगा, प्रोसेस तो यही रहेगा, अगर गुना है पावर्स का तो प्रोसेस तो यही फॉलो करना पड़ता है। बट हाँ आप थोड़ा फास्ट कर लोगे, अगर लोगे आप पास कर लोगे, अगर प्रैक्टिकली यही प्रोसेस है आपको यही फॉलो करना है ऐसे ही बनेगा ये। लेकिन एक चीज मैंने आपको हमेशा सिखाई है, क्या जिस व्यक्ति का गुना भाग जोड़ घटा ये बहुत तेज है, दूसरा यूज कंसेप्ट, यूज ऑप्शन और यूज मिनिमम स्टेप, ये चार पांच बातों का जो सामंजस्य बिठा पाता है वो क्वेश्चन से बाहर निकलाता है। अब ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो ये कैसे इजीली बनता। 7 × 49 = 27 यूपीडी 7 है, ये 7 नहीं, ये 7 नहीं, ये 7 नहीं, ये आपका आंसर। मैंने तो बहुत समय लिया आपको बताने के लिए, ये मैंने मारा, मैं सीधा ऑप्शन मारता, मैं बस एक बार देखता, अच्छा बेटे 49 × 27 किसी में 7 नहीं है, चलो लास्ट आंसर है। अभी देखा मैंने कितना बड़ा प्रोसेस किया, फॉलो किया, और बहुत लोग को चल गया वो पता कि क्या हुआ है, और बहुत लोग के ऊपर से उड़ गया होगा, ये सिर्फ ऊपर उन लोगों के उड़ा होगा जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी। क्या हुआ पता है ना आपको, यूपीडी निकाल रहे हैं, यूनिट प्लेस डिजिट 7 × 49, 9 आया 9 को पकड़ेंगे, यहां से क्या आया 3 × 9 = 27, क्या आया इकाई का अंक क्या आना चाहिए, सारे गुना में है 7 होना चाहिए, तो इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका है, बात समझे, यस और नो। यही बच्चा एक बोल रहा था कि सर इसमें हम यूज कर सकते हैं किसका, कोई दिक्कत है, क्लियर? ऑनलाइन में कोई समस्या किसी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 12.1 / 19.8। गुना में तो भैया जो बताया आपको वैसे ही करेंगे, भाग में कुछ कुछ हम लोग करते हैं, कुछ कुछ मैं सिखाता हूं पहले। बाय प्रोसेस कैसे करते हैं इसको, बाय प्रोसेस करते तो है ना, करते लिखते 121 × 10⁻¹। इस बात से सहमत है कि नहीं है सब सब लोग, हाँ कि ना, यस और नो? यहाँ क्या लिखते 198 × 10⁻¹, यस और नो? और ये कट जाता, ये कट जाता, तो आपका आता 121 और 198 जो कि आता 11/18 के, बी ऑप्शन था आपका। यहां तो बेटा बस काटे हैं, यहां तो काटे हैं, आप भी काट सकते हो, 11 से काट लो कटेगा, क्लियर, समझ रहे हो? अब देखो ये तो बाय प्रोसेस हो गया, एक तरीका और आप लोग फॉलो करते स्कूल में, क्या आप लोग कहते थे कि भाई अच्छा ये 12.1 है और ये 19.8 है, अगर पॉइंट के बाद अंक समान है, पॉइंट के बाद क्या है अंक समान है तो पॉइंट हट जाता है, क्या होता है ये देखो पॉइंट हट गया, कट गया, तो क्या बच गया 121/198 कट के क्या आ गया 11/18। क्या आपने स्कूल में सीखा था कि अगर पॉइंट के बाद अंक समान है तो पॉइंट कट जाता है, सुना तो होगा कम से कम, हाँ चलिए सुना है तो बहुत बढ़िया, और नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, अब सुन लिया ना, ठीक है? तो पॉइंट के बाद अगर अंक बराबर है तो क्या कर सकते हैं हम, पॉइंट हटा सकते हैं, देखा भी आपने कैसे हटा, देखा ना 10⁻¹ आती है, यहां भी क्या आता 10⁻¹ ही आती है, फिर कट जाता है। तो इसी को बचपन से सिखाया जाता है, टीचर सिखाते हैं कि क्या कि बेटा अगर पॉइंट के बाद क्या है अंक समान है तो पॉइंट को हटा लो, और अगर नहीं है तो पॉइंट बराबर कर दो,
अगले क्वेश्चन देखिए, आइए हम पॉइंट को बराबर करने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, आपको अंक बराबर नहीं मिलेगा पॉइंट के बाद। ये क्या सिखा रहा है, 6.5 और 0.13, यही ना बोल रहा है जी। अब ध्यान दे, दो तो पॉइंट के बाद क्या है, यहां तो एक अंक है और यहां क्या है, दो अंक है। वास्तविकता में अगर ये बनता तो कैसे बनता, और अभी करेंगे तो कैसे करेंगे, आइए बाबू जरा देखते हैं। पहले प्रोसेस से आते हैं, तो ये 65 × 10⁻¹ यही होता है, और ये 13 × 10⁻-2। अब जब पावर ऊपर जाएगा इस बार, तो पावर क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब प्लस में घट के क्या बचेगा, एक बचेगा, ध्यान देना। तो ये क्या बचेगा, 65/13 बचेगा, ऐसा और गुना 10⁻²× 10⁻²। तो ये घटता बेस से में तो पावर, ये प्लस में होगा, पावर क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर गया ना, पावर क्या हो जाएगा, प्लस में। तो क्या हो जाएगा, घटेगा तो क्या बचेगा, ही बचेगा, दो में से एक जाएगा, एक बचेगा, Yes or no? और क्या बचेगा, प्लस का एक की माइनस का एक, प्लस का ना, क्योंकि देखो ना 10⁻² बड़ा क्या है, प्लस का है, ठीक है। तो क्या बचेगा, 10⁻² बचेगा, यस और नो, यही तो बात होगी, यही तो बात होगी ना। अब सॉल्व कर लो इसको, अब देखो क्या करना है, काटा तो है 13/25 65 और 10⁻১ मतलब किसी की पावर एक क्या होता है, वो खुद होता है, आप सिखा था ना आपको, किसी की पावर एक क्या होगा, वो खुद ही होगा। तो 5 × 10⁻¹, यस और नो, यस और नो, कुछ गड़बड़ है क्या, चेक करना ऑप्शन क्या 50 है ना इसका आंसर, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए ऐसे करते कैसे नॉर्मली, प्रोसेस सीख लिया आपने कैसे हुआ, ये इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, क्या करने की आवश्यकता थी, क्या करते हम, अंक बराबर कर देते, कैसे करते सर अंक बराबर, यहां तो दो के बाद है, तो बराबर किसको करोगे, जो छोटा होगा वही बराबरी करेगा, यस और नो। तो कुछ नहीं करते, बस लगा दो जीरो, क्या लगा दो, लगा दो, हो गया बराबर, यस और नो, हो गया बराबर। अब जब बराबर होगा तो पॉइंट को काट लेंगे, तो क्या बचेगा, 650 क्या आ गया, 50 आ गया, 13 × 5 = 50 आ गया, क्लियर। तो प्रोसेस में जाएंगे, अगर बराबर है तो पॉइंट काट लेंगे, और बराबर नहीं है तो जीरो लगा के बराबर कर लेंगे, और बार बार ये सब दिखाएंगे, देखो ये सब प्रोसेस दिखाएंगे नहीं, ये प्रोसेस शो नहीं करेंगे, ये हो गया बराबर, ये कट गया 13/25 65 50 आ गया, दिखाएंगे नहीं सब प्रोसेस करके, ठीक है। इतना समय थोड़ी है, यूज मिनिमम स्टेप, यूज मिनिमम स्टेप, बस इतना ही लिखेंगे एग्जाम में। अच्छा ये कह रहा था ये जीरो हो गया, कट गया होगा 13/25 65 50 आ गया, बस बाकी लोगों को समझ में ना कि हमने क्या कर दिया। प्रैक्टिस इतनी करनी है कि क्वेश्चन कम से कम उतारना पड़े, और हमेशा एक नजर रखो ऑप्शन पे, ठीक है, क्लियर, समझे नहीं समझे, हाँ थोड़ा एक्टिव होकर बैठो, सुस्ती मत। चलिए 0.651.3, अब मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं वो सीखिए। अगर आप इसे करने पे आते तो कैसे करते, कहते अच्छा सर बराबर नहीं है, सर आओ बराबर करते हैं, तो ये हो गया सर 0.65, अब बराबर करेंगे तो 1.30 हो गया बराबर, बराबर नहीं था ना, यहां पॉइंट का कितना है एक अंक, यहां कितना अंक, दो अंक, तो बराबर कर देंगे, लागे जीरो, हो गया बराबर, कट जाएगा,
यस और नो? तो 65 दूनी 130, तो 1/2, 1/2 फर्स्ट आपका आंसर होगा। हाँ भाई, आप बड़े निगाहों से घूर रहे थे, क्यों घूर रहे थे, नहीं आया आपको? कहाँ बराबर कर रहे हैं ना हम सब लोग आगे? अरे बेवकूफ, देख छठ वाले में देख कैसे बराबर नहीं किया हमने इसको, कहाँ लगाया था? तो बेटा यहां अंक के बाद कितने हैं, यहां कितना बराबर करी होत, कहां पे है, ऊपर के नीचे बराबर हम कहां करेंगे तीन नंबर में? अरे पॉइंट का कितना अंक, कितना अंक बराबर किसको करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले को? अरे ऊपर वाले करेंगे तब ना, 6.50 दो अंक पॉइंट के बाद, और नीचे यहां तो दो अंक है ही। अरे अभी तो सिखाया था कि बराबर करते किसको हैं, जो छोटा होता है। अरे मूर्ख हूं, पॉइंट के बाद तुमको एक अंक नहीं दिख रहा जी, और पॉइंट का तुमको यहां क्या दिख रहा है, दो अंक दिख रहा है, तो बराबर किसको करेंगे, ऊपर वाले को। बस क्वेश्चन रिवर्स हो गया है, अब क्वेश्चन रिवर्स हो गया है, वैल्यू सेम है, वैल्यू क्या है, क्वेश्चन रिवर्स हो गया है। इस केस में ऊपर वाला दो अंक है, देखो 0.65, पॉइंट का कितने अंक, कहां दो अंक, ऊपर पे, और नीचे कितना, पॉइंट के बाद एक अंक, बराबर कहां होगा, नीचे वाला बराबर होगा ना जी, हैं? अरे बराबरी कौन करता है जीवन में, जो छोटा होता है, यस और नो? क्या बोला जी, नीचे लोग बराबर घाट मारेंगे, बराबरी वो करता है क्या, जो छोटा होता है। क्लासेस में बात नहीं करने का, जानता है क्लास में दोबारा मत जाएगा, नो ये पाठ हम काट लेंगे, चलो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना किसी के लिए दोस्त। तो क्या है 0.65 है, नीचे क्या है 1.3 है, तो पॉइंट के बाद यहां एक अंक, यहां क्या अंक, दो अंक, ठीक है। तो क्या करेंगे बराबर किसको करेंगे, इसे करेंगे, तो ये तो ऊपर 0.65 और नीचे 1.3 बराबरी करेंगे, तो क्या होगा जीरो। बराबर हम कर क्यों रहे हैं, ताकि हम पॉइंट को हमें सॉल्व ना कर पाए, हटा ले पॉइंट को वरना हमारे प्राण सूख जाएंगे, वरना इसको भाग देके देखो अभी, वैसे तो समझदार हो तो भाग दे ही दोगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो नॉन बच्चा है तो प्राण सूख जाएंगे भाग देने में, 0.65 को 1.3 से भाग देंगे ना पहाड़ आएगा ना भाग दे पाएगा। हालांकि कट तो रहा है 53.65 दिख रहा होगा उसको, लेकिन भाग वो दे नहीं पाएगा और पॉइंट का लफड़ा हो जाएगा। हम क्वेश्चन में क्लैरिटी ला रहे, कंसंट्रेट कर रहे हैं, बराबर कौन हुआ जी, जो कम होगा, जिसमें पॉइंट के बाद, मान लो किसी में पॉइंट के बाद 5 अंक है और किसी में पॉइंट के बाद एक ही अंक है, तो 4 0 लगा के उसको 5 के बराबर ले आएंगे, समझे। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पॉइंट के बाद इतने अंक है और यहां पॉइंट के बाद एक ही अंक है, तो कोई बात नहीं, लगा लो 0, हो गया बराबर। ये आप कर सकते हो, ये आप पॉइंट के बाद आप कितने भी 0 लगा सकते हो, ये आपकी इच्छा अनुसार है। अगर ये 4 पॉइंट हो गया है और ये मान लो 1 है, तो इसके बाद आप लगा सकते हो 0, पॉइंट के बाद आप अपनी मर्जी से 0 लगा सकते हो, उससे वैल्यू बदलती नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। बराबर कर कैसे रहे, ऐसे तैसे 0 लगाने से वैल्यू नहीं बदलेगी, इसलिए बराबर कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे रैंडम 0 के अलावा कोई और नंबर ला के हम बराबर नहीं कर पाएंगे, समझ में आया कि निचला बराबर क्यों हो रहा है इस बार। अब देखो जब पॉइंट पॉइंट कट गया तो क्या है, 65 दूनी 100, फ्रेश क्या बचा, 65 130 बचा, तो 65 दूनी 130, 1/2, और फर्स्ट वाला आपका आंसर था अभी दाया। लेकिन मैं कह रहा हूं एक मुश्किल चीज है, सिखाऊं कि छोड़ दूं, हैं सिखाऊं, ये ऐसे हो सकता है, यही आसान मेथड है, यही करना है।
अब जो सिखा रहा हूं वो थोड़ा मुश्किल मेथड है, काम यही दे रहा है, काम देखो ना कितना इजी है, ये मेथड कितना इजी है, क्या अंक बराबर, ये लो बराबर हो गया, ये हट गया, 65 दो 130 कितना हो गया, हाफ हो गया, ये आपका आंसर हो गया, कितना आसान है, यस और नो। अब जो सिखा रहा हूं थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन रिक्वेस्ट है सीख लो, नहीं तो बोल बच्चे बोलेंगे सर मुश्किल तो सिखाई क्यों रहे हो, अरे खाली आसान आसान सीखने आया जी, जो पहले सिखाया समझ में आया कि कैसे करना है ना। अब देखिए करना क्या है, आपको पॉइंट काउंट करना है, हर में अलग और अंश में, हर में अलग और अंश में अलग, कितने कितने पॉइंट है यहां, कितने के बाद पॉइंट, एक के बाद, तो यहां एक आ गया, यहां कितने पॉइंट है, तो दो, ऐसे लिख लोगे, पहला स्टेप ऐसे लिख लोगे, सारे पॉइंट काउंट कर लेने हैं, ठीक है, और लिख देना है दो के बाद, तीन के बाद, पांच के बाद, ठीक है। एक बात कान खोल के सुन लो, नीचे से ऊपर घटेगा, कहां घटेगा, इसके में से ये घटेगा, हमेशा नीचे वाले में से क्या घटेगा, ऊपर वाला घटेगा, आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है, इसमें से घटेगा क्या होगा, हमेशा कहां से घटेगा, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटेगा, बच्चों ना यही भूल जाते हैं और इसी का कारण क्वेश्चन गलत लगता है, समझ गए, फिर से जो भी आएगा प्लस में आएगा तो प्लस में और माइनस में आएगा तो माइनस में, ये तो सिखाया था कि अगर छोटे में से बड़ा घटता है तो आंसर क्या आता है, जैसे घटेगा वैसे घटेगा, क्या आएगा, एक आएगा, लेकिन क्या आएगा, माइनस में आएगा, छोटे में से अगर बड़ा घटेगा क्या आएगा, आंसर माइनस में आएगा, जैसे घटता है वैसे घटेगा, आंसर क्या आएगा, माइनस में, ये बात आपको सिखा चुका हूं। चलिए कितने के बाद, एक के बाद, कितने के बाद, दो के बाद, घटेगा तो कितना आएगा, माइनस वन, माइनस वन, ये काम क्या हो गया, पॉइंट का काम हो गया, क्या हो गया, पॉइंट का काम खत्म हो गया, अब पॉइंट चिंता नहीं करनी है, सॉल्व करना है, तो क्या आ गया 65 बटा, ठीक है, चिंता मत करना, हमारा पॉइंट का काम क्या हो गया, खत्म हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और हमारे पास क्या बचा है, माइनस वन, माइनस वन का मतलब क्या है, 10 की पावर -1, क्या है, 10 की पावर -1, इस माइनस वन का मतलब क्या है, 10 की पावर -1, मतलब पॉइंट लेफ्ट खिसकेगा, अगर पावर माइनस में है तो पॉइंट क्या हुआ, लेफ्ट खिसकेगा, और ये प्लस में आएगा तो पॉइंट राइट खिसकेगा, क्लियर है, ये होना चाहिए था इसको ऐसे, ठीक है, क्या होगा, 13 पच्चे 65 है ना, 5 आएगा, अब ये क्या है, माइनस में है, तो वास्तविकता में पॉइंट अभी यहां पे होगा, 5 के बीच छुपा हुआ, तो कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, 0.5 को तो क्या बोलते हो आप, हाफ बोलते हो, याद आया ना, 0.5 को क्या बोलते हो आप, हाफ बोलते हो, एक बार फिर से एक पॉइंट यहां कहते हैं, दो पॉइंट घटेगा तो क्या देगा, माइनस वन, पॉइंट का काम हो गया, काट लो, सगर उठ सगर काट लो, ठीक है, तेरे कम तेरा तेरे पचे 65 कितना आया, 5 आया, यहां माइनस वन है तो पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट होगा, ये आपका आंसर है 1/2, दोनों में से कौन सा आसान था, हा? ना लाइक कहीं का, आसान तो वाला था ना जी, पहले वाला क्या बराबर किया, पॉइंट पॉइंट कट गया, आसान तो वाला था, कराइए वाला, जबरन क्यों बोल रहा है जी, अच्छा सर दो तीन बार रिपीट कर दिया इसलिए हो गया। चलिए अब मेरी बात को समझिए, इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आप उसकी वैल्यू नहीं समझ पाए जो मैंने सिखाया, तो इस क्वेश्चन पे आ जाइए, आपको वो वैल्यू सिखा देगा, आइए बाबू पॉइंट तो सबको दिख ही रहे होंगे,
अब आप चाहोगे ना क्या अंक बराबर कर लें तो बूढ़ा जाओगे अंक बराबर करने में। अब यहां आपसे अंक बराबर नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा बहुत और इतने में क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। आओ जरा कर लेते हैं, एक दो और कितना पांच, नीचे कितना आ गया पॉइंट, कितने के बाद है पांच के बाद, देखो ना एक दो और तीन, टोटल कितना हो गया पांच के बाद, ऊपर काउंट करो दो पांच और कितना हो गया, कितना हो गया बाबू, लो छः, तो पांच में से छः गया माइनस का वन है ना, खत्म। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या आ गया वन आ गया, क्या आ गया पावर क्या है माइनस वन, आपका आंसर, आपका आंसर। बच्चे ये क्वेश्चन करने में ना अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो अंक ही बराबर करते रह जाओगे और आंसर ही नहीं आएगा आपका। लॉजिक अगर आप देखते तो अब ये चीज आपको यहां पसंद पड़ेगी। जो पहले मेथड था अगर एक ही डिजिट है, एक ही नंबर है उस पर तो काम करेगा, लेकिन जब मल्टीपल डिजिट आ जाएगा तब उस पर काम नहीं करेगा। फिर से देखिए, प्रॉपर देखिए, काउंट कीजिए कितना, दो एक तीन दो पांच, नीचे पॉइंट कितने के बाद पांच के बाद, ऊपर काउंट कीजिए दो तीन पांच एक छह, घटेगा कितना आएगा माइनस वन। आपको पता है 36 से 36 कटेगा, 42 से 42 कटेगा और 121 से 121 कटेगा, तो क्या जाएगा वन और माइनस क्या है, पावर क्या है माइनस में है। समझ में आई बात, क्लियर है क्या बेटा? यहां फोकस नहीं कर रहे हो आप लोग, ठीक है, आप लोग आपस में चुगली में लगे हुए हो और दांत दिखा रहे हो। एक बात रखना, ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा दोस्त। शायद आप लोग अगर बाहर मुस्कुराओ तो मे भी काम चल जाए, बट एकमात्र ये ऐसी जगह है जहां आपके मुस्कुराने का कोई असर नहीं होगा। तो मुस्कुराने से अच्छा थोड़ा फोकस कीजिए, मुस्कुराइए अच्छी बात है, हैबिट के लिए अच्छी बात है, लेकिन फोकस कीजिए। चलिए छह नंबर देखिए, 4.25 into 3.123 into 1.5। इधर आइए, चलिए यही है पॉइंट, सबको दिख रहा है जी। अब ध्यान देखिए, जल्दी बनाई जला ऑनलाइन वालों फटाफट आंसर करो, क्या है इसका आंसर? चलिए बाकी लोग देखिए जो नहीं बनाने से, आइए कितने के बाद पॉइंट बाबू, दो कितना चार छ और कितना नौ, कोई दिक्कत, ऊपर आइए एक चार और कितना एक, कितना चार और दो कितना छः, कितना आया छः, घटेगा तो इस बार क्या आया प्लस का तीन आया, क्या आया इस बार प्लस का तीन आया, कोई दिक्कत। चलिए अब देखो, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा और इससे कटेगा, क्या आया वन आया, वन आया, यस और नो, क्या कह रहा है प्लस तीन, तो रख दो तीन जीरो, एक दो और तीन, आ गया आंसर आपका। क्योंकि वास्तविकता में पॉइंट कहाँ आता, एक के बाद आता, कह रहा है तीन राइट करवाओ, तो एक जीरो दो जीरो तीन जीरो, पॉइंट कहाँ आता, यहां आता लगता है जीरो, तो पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो हजार आपका आंसर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत? आइए सात नंबर चलते हैं, वन पॉइंट टू वन इंटू जीरो पॉइंट जीरो सिक्स फोर इंटू फोर,
चलिए निपटते हैं पॉइंट्स, आइए एक दो और तीन, कितने के बाद, आइए दो, कितना पांच और कितना सात, तो क्या आएगा घटेगा तो क्या आएगा माइनस का चार, माइनस का चार, ठीक है पॉइंट हट गया। तो 11 कटेगा इससे 121 से 11 बार में, यस और नो। 8 कटेगा 8 बार में, 8 64। अगर नहीं समझ में आया तो देखो मैं फ्रेश लिख रहा हूं, ये क्या बचेगा 121 इंटू क्या बचेगा 64 इंटू क्या बचेगा 4, 21 11 इंटू 8 इंटू, यही ना बचेगा बाबू पॉइंट हटने के बाद, यस और नो। बहुत लोग को यहाँ पे कटता हुआ नहीं दिख रहा होगा लेकिन यहाँ दिख रहा होगा, देखिए ये कटेगा 11 बार में, ये कटेगा 8 बार में और ये तो पूरा ही पूरा कट जाएगा, तो क्या हो गया 11 8 88 कितना हो गया 88 पॉइंट, कितने के बाद है 4 के बाद, दो तो अंक पहले से है, दो अंक पहले से है 3 4, क्लियर है बात समझे, यस और नो ऑनलाइन वालों। ये 100 कौन बोल रहा है जी, हट हाँ डी वाला ठीक है भाई, जवाब ना थोड़ा पहले दिया करो, आंसर निकालने के बाद क्या तुम जवाब दे रहा है जी, आइए 8 नंबर है ना भाई, अगला क्या है 8 नंबर, तुम लोग ना इतना मर मर के बोलते हो कि सर ये मेहनत भी ना आप ही कर लो, हम क्यों इतनी मेहनत करें, पैसा भी दे और आके बोले भी ऐसा कुछ है क्या जी, ऐसा है तो फिर ठीक है चुप रहो, हमारा भी एटीट्यूड था कि फीस भी देंगे और साथ साथ में बोलेंगे भी, काहे बोलेंगे तो काम आपका आप कीजिए, अरे सीखना है तो फोकस कीजिए और बोलिए। चलिए देखें जरा इस क्वेश्चन को देखिए, आइए गिनिए कितना हो गया, अरे गिनो जल्दी से, सोच रहे हो 1 4 कितना 6 गिनो 1 2 4, तो क्या आ गया प्लस का 2, घटेगा नीचे वाले में से, घटेगा हमेशा नीचे वाले में से। चलिए ये तो हो गया, अब काटे 12 1 12 12 3 36 कट रहा है, 13 3 39 से 39 कटेगा है ना, नीचे गुणा हो गया 13 3 39 और 39 से 39 ऊपर नीचे कटेगा, यस और नो, और 14 28 क्या बचा, सब तो कट ही गया, क्या बचा सिर्फ 2 बचा और क्या चाहिए प्लस में 2 चाहिए, तो पॉइंट अभी कहाँ है, यहां पर है ना वास्तविकता में, तो क्या होगा 1 2.0 है ना, क्या लिखेंगे 200, इतना सब करने की जरूरत नहीं है जी, डाइट क्या करना है 2 बचा और 202, ये मैं बस लिख इसलिए दे रहा हूँ कुछ लोगों के लिए जब बाद में उठते ना 100 के सर ये क्वेश्चन में ना ये 200 कैसे हो गया, उनके लिए लिखा है आपके लिए नहीं, तेज बच्चों के लिए ठीक है, कोई दिक्कत, 9 नंबर आइए, बस यहां तक रुक जाइए, यहां के बाद आपकी सेवाएं नहीं लगेंगी, यहाँ के बाद जो पढ़ा रहे थे कुछ नया चेंज आया है तो आपको थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। अच्छा पिछला आंसर क्या था भाई 200 है ना, सी वाला आंसर था ठीक है, चलिए बस इस क्वेश्चन को ठीक से देखिए एक बार, और एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा है पहले मिल गया था एक बार फिर समझाता हूँ आप लोगों को,
ये है कुल मिला के कहानी आपके क्वेश्चन की। ठीक है भाई, गलत तो नहीं थे क्वेश्चन, यहां पे प्लस आएगा उधार लेना अगर कुछ गड़बड़ हो किसी का तो। चलिए देखते हैं जरा, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है ना कि आधे बच्चों के तो प्राण देखते उड़ाते कि ना ये भैया हम सना बड़े आगे बढ़ लेते हैं। यकीन मानो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, बहुत बार पूछता है, रिपीटेडली कई बार पूछा गया है और कई बार पूछा जाएगा फ्यूचर में। अगर ध्यान से देखो तो एक बार चेक कर लें, 0.21, 0.21, 0.21, 0. ठीक है 0.021, 0.21, ठीक है। चलिए बनेगा कैसे जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, इतना मुश्किल नहीं है जितना दिख रहा है। लॉजिकली इसमें देखो तो आपको टर्म दिखाई देंगे, आपको ये तो पता है कि गुना टर्म्स में नहीं बांटता, प्लस और माइनस से टर्म बांटता है। देखो यहां से यहां तक आपको एक टर्म दिख रहा है, यहां से ये टर्म दूसरा, यहां से ये तीसरा और यहां से ये चौथा, यानी क्वेश्चन टोटल चार टर्म्स में डिवाइडेड है। कितने में भाई? चार टर्म्स में डिवाइडेड है, बहुत ध्यान देखना है। देखो बहुत लोग इसको बहुत तरीके से सुनाते हैं, ठीक है, मैं एक सिंपल बता रहा हूं मेथड आपको, उसको ध्यान रखिए। मैं ना 0.021 को मान लेता हूं x, क्या मान लेता हूं x, और इस 0.021 को मान लेता हूं y। याद रखना ये वैल्यू अलग है और ये वैल्यू अलग है, दिख रहा होगा सर 21, नहीं वो 0.021 है और ये 0.21 है, दोनों में फर्क है। अगर बाबू मैं इसको मानता हूं x, इसको मानता हूं y, तो ये पार्ट ध्यान देखो क्या जाएगा, x गुना x गुना x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y, y और y हो जाएगा। ये बात समझे, अगर मैं इसको x मान लूंगा तो सारा क्या जाएगा x x x, क्या हो जाएगा x क्यूब, x x x क्या होगा 3x, क्या होगा x क्यूब होता है, और 3y क्या होगा y क्यूब होया। नीचे अगर ठीक से देखो तो इसमें और उसमें क्या अंतर है, 3 गुना है, 21 दिया 63, 21 दिया। तो अगर बाबू ऊपर वाला x है और नीचे वाला क्या है 3 गुना है, तो क्या लिखूं 3x, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला x है, अंचला क्या है 3 गुना है, तो क्या लिखूंगा 3x, यस और नो। ऊपर वाला y है देखो नीचेला क्या है 3 गुना है, तो क्या लिखूं 3y, कोई दिक्कत किसी को? इतनी बात में दिक्कत किसी को नहीं ना। अगर दिक्कत नहीं है तो ऊपर क्या बनेगा, x x x क्या बनेगा x क्यूब, कोई दिक्कत ऑनलाइन में, दिक्कत किसी को इतनी बात में, x x x क्योंकि माना क्या है 0.21 को x मान ले तो x x x क्या बनेगा x क्यूब प्लस y y y, तो क्या बनेगा y क्यूब। इतनी बात में समस्या कैसी को बताइए, मेरे को बताइए। चलिए ठीक है, अब नीचे क्या है, देखिए ये क्या है, ये 3x है गुना 3x और गुना क्या है 3x, इसको ध्यान से देखें तो 3x है, तो ये गुना होगा तो क्या होगा 3 3 9 3 27, यस और नो, 27x क्यूब होगा। वो देखो जब x x गुना होगा तो क्या देगा x क्यूब देगा, और 3 3 9 3 27 तो क्या हो जाएगा 27x क्यूब हो जाएगा, यस और नो, यस और नो। ये y 3y 3y और 3y, तो जब y y y गुना होगा तो क्या देगा y क्यूब, यस और नो, और 3 3 3 गुना करेगा 27, यस और नो।
इतनी बात समझ में आई हाँ कि ना? अगर नहीं आई तो मैं पीछे जाऊंगा, बताओ आ गई? बस अगर मैं यहां से 27 कॉमन, दोनों में सेम है, 27 में क्या करता हूँ कॉमन निकालता हूँ, 27 में कॉमन निकालता हूँ, तो ऊपर मेरा क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, नीचे 27 तो मैंने कॉमन निकाल लिया साइड में, है ना, यहाँ क्या बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है कि नहीं? इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं तो वन है, कटा ना वन बाय वन, तो ऊपर क्या बचा वन बचा, 1/27 आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है आपका? सी आंसर। बात समझे? बात समझे? ऑनलाइन वालों दिक्कत है किसी को तो बताइए। हाँ हाँ लिखिए। ऑनलाइन वालों बताइए कोई समस्या है तो किसी को, अभी समाधान देंगे। आ गया सर, नो इश्यू, ठीक है आ गया तो बहुत बढ़िया। चलिए अब एक बात समझिए, एक तो बात मैं अपनी तरफ से आपको ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं जरा देखते हैं। देखिए जैसा मैंने बताया आपको एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन ना बहुत अधिक पूछता है, क्या पूछता है बहुत अधिक पूछता है, तो क्या करना होता है अगर मैं इसे करता तो कैसे करता, मैंने देखा कि अच्छा ये तो x है और ये इसका तिगुना है, और इसको अगर मैं y मानूं तो क्या इसका तिगुना है ना, तो मुझे चला पता कि तिगुना छोड़ के बाकी सब कट ही जाएगा। आपने भी देखा ये क्या है इसका तिगुना, ये क्या है इसका तिगुना, तो आपने देखा भी कट ही जाएगा, तिगुना तो है, कितनी बार है तिगुना है, लेकिन कितनी बार है, तीन बार, 1 2 3 आपका। होता क्या है ना कि इस तरह क्वेश्चंस ना, देखो ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि जो आपसे नहीं बने, जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन देता है तो वो कोशिश करता है कोई ना कोई लॉजिक पर बन रहा हो, ये कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रहा हो, ऐसा रैंडम क्वेश्चन नहीं दे देगा। मान लेते हैं यहां पर कुछ जोड़ देता इसमें, तब कोई उपाय नहीं, तब ये क्वेश्चन जैसे बनता है ना पूरा 1/1 सॉल्व होता, 1/1 सॉल्व होता। अगर यहां पर मान लो कुछ और दे दिया होता, तिगुना ना दिया होता, यहां 64 कर दिया होता सब में, कोई उपाय नहीं था, जैसे बनेगा वैसे बनेगा, ठीक है जैसे बनता है वैसे बनेगा। तो दो बातें बच्चों को में आती है कि सर अगर वैल्यू कुछ और होता तो, क्लियर कर दूं ऐसा नॉर्मली केस में नहीं होता है, अगर वैल्यू ऐसी रैंडम दे देगा तो भैया दो ही ऑप्शन है, या तो बनाओ या तो आगे बढ़ जाओ, सबके लिए, आपके लिए नहीं सबके लिए। एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन सेट करता है तो वो आपसे मजदूरी नहीं करवा रहा होता है, वो आपकी मेंटल एबिलिटी चेक कर रहा होता है कि क्या इस व्यक्ति को पता है कि यह चीज ऐसे बन सकती है। जो पीछे क्वेश्चन देखे जहां कट जा रहा था आपसे, तो अगर सर नहीं कटेगा तो क्या होगा, जब नहीं कटेगा तो सबके लिए नहीं कटेगा। देखो एग्जामिनर क्या चाहता है, गुना भाग करो ये नहीं चाहता है, दिमाग मेंटल एबिलिटी कितना इस्तेमाल कर रहे हो, मैथ्स पूछने का मतलब क्या है, दिमाग कितना चल रहा है। तो दो बातें, अगर यहां कुछ और होता तब ये नहीं बनता, ठीक है, कब बनता ये मान लो क्या होता, दुगुना होता, तिगुना होता, चार गुना होता, पांच गुना होता, आराम से बनता, क्या बनता, आराम से बनता, पॉइंट का कोई लेना यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जरा देखिए मैं एक बात मेरी और समझ में लीजिए, मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं यहाँ पे,
ठीक है, इसके अलावा कैसे किया पहले इसको देखो। अच्छा माना कि भाई x है और ये क्या है तिगुना है, ये क्या है तिगुना है, और ये क्या है y है तो तिगुना है, ठीक है। तिगुना है कितनी बार रिपीट किया है, तीन बार। तिगुना है कितनी बार रिपीट किया है, तीन बार, ठीक है। तो तीन का पावर तीन कितना होगा, 27, तो 1/27 बचेगा। क्लियर है, इसको मैं एक क्वेश्चन और लेके दिखा रहा हूं आपको लॉजिकली, अब जब सोचना उस पर। अगर ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखाई देगा, अगर ये x है और ये y है, इसको x मान ले तो x क्यूब, इसे y मान लो क्या होगा y क्यूब, उतना क्या कर रहे हो, देखो ना दुगुना है, कितना है दुगुना है, क्या है दुगुना है, और कितनी बार रिपीट है, तीन बार रिपीट है, कितनी बार रिपीट है, पहले तो देखो क्या है दुगुना है, क्या है दुगुना है, और कितनी बार रिपीट है, उतने गुना कर दो, ऊपर तो वन ही बचता है, दुगुना है और कितनी बार है, तीन बार, तो हो गया 1/8, 1/8 करते तो क्या आता, ये x होता, x x x तो क्या बनता, x क्यूब, y y तो क्या बनता, y क्यूब, ये क्या बनता 2x, 2x 2x, 2y 2y 2y, yes or no? और यहां से लेते कॉमन, तो दो दुनी चार दुनी आठ, दो दुनी चार दुनी आठ, तो आठ आठ दोनों निकालते कॉमन, तो क्या बचता x क्यूब प्लस y क्यूब कट जाता और बचता आपका आठ, तो 1/8 आपका आंसर होता। क्लियर है, बात समझे, इस तरह क्वेश्चन ना खूब पूछ जाते हैं। चलिए 10 नंबर देखिए और कुछ लॉजिक लगाने का प्रयास कीजिए। 10 नंबर एक बात समझिए, अगर ये लिखा है 6.46.5, अगर मैं इसे x मान लूं तो 4.65 को क्या मैं बोल सकता हूं x by 10, बोल सकता हूं, क्योंकि वास्तविकता में जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 10^-1 बनेगा, 10^-1 बनेगा, और जब माइनस आएगा तो पॉइंट यहां था तो यहां शिफ्ट होगा, बोल सकते हैं। 10 से भाग देने का मतलब क्या है, एक पॉइंट कहां शिफ्ट करना, लेफ्ट, अब पॉइंट पहले, पॉइंट पहले से यहां पे है और 10 से भाग देंगे तो क्या होगा, तो पॉइंट यहां आ जाएगा, यस और नो, यस और नो। तो अगर मैं इसको बोल रहा हूं x, तो इसे मैं क्या बोल सकता हूं, x by 10, ये बात समझ में आई नहीं आई आपको, हां कि ना, फिर से बताओ, हाँ तो बोलो ना बाबू, हम बताएंगे आपको। अगर 13 को हम बोल रहे हैं x, तो अब मैं चाहता हूं 1.3 को बोल सकते हैं हम x by 10, क्यों, देखो ना 13 में 10 से भाग दिए होंगे, बीच में बराबर है ना बाबू, बीच में क्या है, बराबर है, दोनों साइड तो बराबर होना चाहिए, 10 में भाग देने पे क्या होगा 1.3,
तो ये तो एक वेरिएबल है, वेरिएबल में भाग लगेगा तो ये क्या हो जाएगा x by 10, yes or no? दोनों साइड बराबर करना है ना, तो इसमें 10 से भाग देता ना ये 1.3 आया होगा, तो वास्तविकता में क्या है, अगर 13 क्या है, 13 को अगर हम x मान रहे हैं तो 1.3 क्या होगा, एक्स वाई 10 होगा, क्योंकि 10 से भाग देने से क्या हो रहा है, पॉइंट एक कहां शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट, 13 में 10 से भाग देने तो क्या हो रहा है, पॉइंट एक लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, तो अगर 13 हमारा क्या है x है तो 1.3 क्या होगा x by 10 होगा हमारा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अगर ये बात आप समझे, अगर आप मेरी ये बात समझ रहे हो तो यहां पर जरा देखो क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में जरा देखो 0.6 दस नंबर देखो 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.47 का होल स्क्वायर प्लस 0.079 का, यही क्वेश्चन है कॉमन, या तो हम ऐसे लेते हैं ठीक है, या फिर ऐसे, दोनों में ठीक है, यस और नो, अरे यस और नो। अब ध्यान से चीज देखने को मिलेगी आपको कि ये दोनों वैल्यू तो सेम ही है, ये दोनों क्या है वैल्यू, तो बस पॉइंट खिसका हुआ है, पॉइंट खिसका हुआ है, अगर इसमें हम 100 से भाग देंगे, देखो यहां पर क्या है क्वेश्चन में क्या है 0.06 है, नीचे क्या है 0.06 है, तो यहां पर ध्यान, एक मिनट, 0.06 और 0.006 ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है क्वेश्चन, यहां पर पॉइंट क्या है 2 के बाद है, यहां पॉइंट क्या हो गया 3 के बाद, यानी इसमें 10 से भाग दिए होंगे तब ना ये आया होगा, यस और नो, देखो ना 0.06 में क्या करोगे, अगर 10 से भाग दोगे तो पॉइंट क्या करेगा, ये एक शिफ्ट करवा देगा, यही ना होगा, तो अगर मैं, क्योंकि देखो ये 0.6 अलग है, 0.47 अलग है और 0.79 अलग है, अगर बाबू समझने के लिए, इजी करने के लिए, क्या करने के लिए, इजी करने के लिए, वैसे इजी होता है ठीक है, एक्स मान लू, वाई मान लू और जेड मान लू, क्या मान लू, एक्स वाई जेड मान लू, तो ये क्या है ध्यान से देखो, तो ये एक्स वाई 10 है क्योंकि 10 से भाग देने पर ये आएगा, इसमें 10 से भाग देने पर ये आया, तो अगर ये x है तो क्या ले सकते हैं एक्स वाई 10, और इसका क्या है स्क्वायर है बाबू, है ना स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा सॉल्व जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 का स्क्वायर, अरे बाबू कहाँ खो गया जी, होल स्क्वायर है, तो जब अंदर आएगा क्या होगा एक्स स्क्वायर बटे 100, कहाँ खो रहा है ठीक है, समझ गए, चलिए जल्दी कीजिए, क्लियर है, अब यहाँ आइए, ये वाई है तो ये क्या है, देखो ना 2 के बाद आने के 3 के बाद आता है, वाई बाय 10, जब ओपन करेंगे तो वाई बाय 100, क्लियर, सेम चीज यहां भी है, 3 के बाद क्या है 4 के बाद है, तो क्या हो जाएगा जेड बाय 100, यस और नो, ये स्क्वायर रहेगा, ऊपर का स्क्वायर हटा दिए भी ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, ऊपर पहले से क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका ऊपर पे था, ये नीचे क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाय 100 प्लस वाई स्क्वायर बाय 100 और प्लस जेड स्क्वायर बाय, ठीक है क्लियर, अब जब रिवर्स करेगा ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे ये पूरा कट जाएगा, ये भाग में ना जब पलटेगा क्या जाएगा ऊपर ठीक है, तो ये 100 क्या जाएगा हमारे पास, क्या बच जाएगा फाइनली, क्या बचेगा हमारे पास
बच्चे का। तो क्या आंसर है इसका, क्या आंसर है इसका, 100। ठीक है, इससे ही कट जाएगा। और आपको चीज और मैंने सिखाई थी x बाय वाई और a बाय बी, तो पता है ना जब जाएगा तो ये इससे गुना होता है, ये इससे गुना होता है, तो ये इससे कटता है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, खत्म करते हैं इसको। चलिए फटाफट नोट कीजिए, जल्दी कीजिए, समय समाप्ति की ओर है। दिक्कत होने वालों किसी को बताइए, नहीं है? चलिए चलो जरा देखते हैं, आइए देखें जरा। पॉइंट कितने के बाद है, दो के बाद, दो का चार, यहां कितने के बाद है, दो के बाद और तीन के बाद है, यहां कितने के बाद है, तीन के बाद, और यहां कितने के बाद है, चार। अगर टर्म्स की बात करो तो एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, अगर सभी टर्म में कुछ कॉमन होते हैं तो काट लेते हैं, यही सिखाया गया हमें। सभी टर्म में अगर कोई चीज कॉमन हो तो क्या करेंगे, उसे काट लेंगे। अब देखो इस टर्म में कितने पॉइंट हैं, दो चार है, इसमें कितने, तीन और एक चार, ये पूरा टर्म है ना, तो पॉइंट चार के बाद, पॉइंट चार के बाद, लेकिन इसमें क्या है, पॉइंट तीन के बाद, तो क्या कर लेंगे, सब में पॉइंट बराबर कर लेंगे। अगर मैं एक जीरो लिख दूं तो कोई दिक्कत? अब पॉइंट क्या हो गया, सब में क्या हो गया, पॉइंट बराबर क्या हो गया, पॉइंट, जब पॉइंट बराबर तो पॉइंट क्या हो गया, हट गया। जब पॉइंट क्या हो गया, बराबर तो पॉइंट हट गया, और जब पॉइंट हट गया तो देखो ये बचेगा हमारे पास 319 इंटू 460 माइनस 319 इंटू 320 डिवाइड बाय 7 इंटू 319। अब देखो 319 319 319 सब में कॉमन है तो काट लो, क्या करो काट लो, 460 में से 320 गया, कितना बचा 140 बचेगा बाय 7, तो 7 एकम 7, 7 दुनी 14, कितना आ गया 20, कितना आ गया 20। ये रहा आपका फर्स्ट वाला आपका आंसर। ठीक है, आई थिंक मेरी बात समझे होंगे, कोई दिक्कत? तो बस समय सीमा अधिक हो गई है, तो आज के लिए यहीं छोड़ते हैं, मिलेंगे कल, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।